हेलो फ्रेंड्स, देवराज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप धीमान। आज दोस्तों हमारे पास मॉडल आया है, पॉक ऑडियो के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि साउंड बार तो इसका ऑन हो रहा है, लेकिन सब ऊपर में जो ये स्टैंड बाई लाइट है ये ब्लिंक कर रही है। देखो बहुत ही हल्की हल्की, अगर मैं दिखाऊंगा आपको नज़दीक से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये साउंड बार जो है ये वर्किंग कर रही है। ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया, साउंड आ रही है इसमें। ये देखिए, आपने सुना भी होगा। प्रॉब्लम ये है कि ये सब ऊपर के अंदर प्रॉब्लम, इसके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं ज़रूर शॉर्ट सर्किट है जो ये इसका पावर सप्लाई को ड्रॉप कर रहा है। तो देखते हैं अभी खोल के इसको क्या प्रॉब्लम निकलती है। ये देखिए, ये इसका यूनिट बाहर आया है, ऐसे ही क्लीन कर रहा है। इसके अंदर दोस्तों सारा इसका साउंड एम्पलीफायर या जो भी पावर सप्लाई है इस बॉक्स के अंदर है, ये डिब्बी के अंदर है। ये डिब्बी खोलते हैं, जादू की पिटारी। ये है दोस्तों इसका एम्पलीफिकेशन प्लस पावर सप्लाई बोर्ड, एम्पलीफायर एम बोर्ड और पावर सप्लाई बोर्ड। इसके अंदर भी देखिए, डिजिटल ये वायरलेस कनेक्टेड है, तो इसमें TX लगा हुआ है, RX जो उसका RX लगा हुआ है, TX उसके अंदर होगा साउंड बार में। तो ये ड्राइव कर रही है ब्लिंक। तो देखते हैं अभी क्या इशू आता है। अभी देखो ये 22 वोल्ट आ गए हैं कॉन्सेंट। पहले क्या था, वोल्टेज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही थी, तो इसमें मैंने इसका ये TLP बदला है और ये 431 ट्रांजिस्टर ये दो बदले हैं। इसके बाद सेट की जो है पावर सप्लाई कॉन्सेंट हो गई है। अब इसको देखते हैं, ये देखिए 22 वोल्ट आ गए हैं, मैक्सिमम 24 वोल्ट की सप्लाई है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। और देखिए ये ब्लिंकिंग भी रुक गई है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरी साउंड बार ऑन है, ये ऑटो लिंक हो गई है इसके साथ।